नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। कोरोना के बीच आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। बजट से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक। 10:15 बजे संसद में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में बजट को पेश करने का प्रस्ताव होगा पारित। बजट से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश। टैक्स और रोजगार को लेकर मिल सकती है राहत। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज की उम्मीद। रोजगार, महंगाई, टैक्स पर रहेगी नजर। तो ये बड़ी खबर है, जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे पेश करेंगी बजट। और इससे पहले अगर बात करें यहां पर तो मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 10:15 बजे संसद में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में बजट को पेश करने का प्रस्ताव होगा पारित और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। टैक्स और रोजगार को लेकर मिल सकती है राहत। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। पहली बार डिजिटली इस बार बजट पेश किया जाएगा। इस बार सभी के पास सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी, न कि हार्ड कॉपी सबके पास रहेगी। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक बड़ी राहत आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और खासतौर पर छोटे मोटे उद्योगपतियों के लिए भी मिल सकती है। तमाम आम जनता की निगाहें सिर्फ और सिर्फ 11 बजे इस बजट पर रहेगी। आखिर किस किस को राहत मिल सकती है, टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है, आखिर क्या टैक्स स्लैब में चेंजेस हो सकते हैं, रेवेन्यू के लिए क्या कुछ जो रणनीति है वो अपनाई जा रही है, आखिर खासतौर पर किस तरीके से यह भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या सरकार कोविड सेस भी लगा सकती है। तो तमाम चीजें हैं जो कि 11 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बजट से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 2021 से लेकर 2022 तक का बजट होगा पेश। अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल और 31 मार्च तक के लिए जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और खासतौर पर तमाम चीजों पर जो निगाह है वो बनाई गई है, विचार विमर्श किया गया है। 5 महीने पहले से ही बजट पेश करने की तमाम तैयारियां जो है वो शुरू होती है। अगर बात की जाए तो सितंबर के महीने में ही तमाम विभागों को ये अधिसूचना जारी की जाती है कि आखिर आपके विभाग में किस तरीके से बजट को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर आपका अल्टीमेटम क्या है, उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट सौंपे और उसके आधार पर हम बजट जो है वो बनाएंगे और फिर 11 बजे सुबह पेश किया जाएगा।